इब्तदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। देखती आँखों और सुनते कानों को शाहिन परेशानी का सलाम पहुँचे। तो दोस्तों एक जो मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए के अक्सर स्टूडेंट्स जो बीएस कर चुके होते हैं, मास्टर कर चुके होते हैं, पूछते हैं मुझसे, बारह सवाल करते हैं। कभी ना कभी तो आपके मन में भी ये सवाल शायद आया होगा कि बीएड किस यूनिवर्सिटी से की जाए, जहाँ पे नंबर भी ज़्यादा मिल सके, मार्क्स अच्छे आ जाए, उसके बाद कोई टेंशन ना हो, टाइम भी थोड़ा लगे तो एक्सपेंसिव भी कम लगे। तो दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है कमाल का, जो मैंने प्रूफ अपनी आंखों से देखा हुआ है, नहीं तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसका मेन कैंपस जो है ना वो लाहौर के अंदर है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या बीएस प्रोग्राम करते हैं तो आपको बीएस की डिग्री बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, बगैर कोई एक्स्ट्रा टर्म्स है कि चार्जेस पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, इसके बारे में मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल जो है कि आपको डिग्री मिल जाती है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं होता और वो डिग्री वैलिड है। गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे जानने वाले काम कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह की डिग्री ली हुई है। तो उसके बाद दोस्तों क्या बीएड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी डिमांड क्या है, इसके बगैर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो दोस्तों मेरा जवाब ये है कि आपको कर लेनी चाहिए। लेक्चररशिप पे तो अभी इसकी कोई डिमांड नहीं है, हेडमास्टर्स 17 पे जो होते हैं उनके लिए मांगी जाती है, और जो एजुकेटर्स गवर्नमेंट 14 स्किल से लेकर 16 तक, उसमें भी ये अभी तक जो पॉलिसी चल रही है उसमें ये रिक्वायर तो नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स हैं, 5% मार्क्स इस डिग्री के ऐड किए जाते हैं आपके फाइनल मेरिट के अंदर, जो कि तकरीबन 3-3.5 मार्क्स इतने ही जाके बनते हैं। तो अगर आपने नहीं किया हुआ और आपका मेरिट बन जाता है, आप टीचर बन जाते हैं, तो आप 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर पॉलिसी के मुताबिक जो डिग्री करनी होती है बीएड करके बाद में जमा करानी होती है। तो इससे बेहतर यही है कि आप कर लें। तो यूनिवर्सिटी कौन सी बेहतर है, तो यूनिवर्सिटियां तो बहुत हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सी यूनिवर्सिटियां करा रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरी राय के मुताबिक है, अगर आप कोई जॉब करते हैं और डेली क्लासेस नहीं ले सकते, क्योंकि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आदमी बहुत थक जाता है, और ये होती भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद ही है। पहले तो होता था कि आप बीए के बाद भी बीएड कर सकते थे, लेकिन अब जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं पॉलिसी के अंदर उसमें आप मास्टर के बाद या बीएस 4 ईयर के बाद, यानी कि मेन चीज़ ये कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड के लिए सबसे जो यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, लेकिन उसमें एक साइड इफेक्ट यह है कि वो टाइम ज़्यादा खा जाती है, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें आपको फर्स्ट डिवीज़न ईज़िली मिल जाती है, और इसके साथ साथ आप कोई ख़ास हेडेक भी नहीं लेना पड़ता, ना आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, घर बैठ के असाइनमेंट्स हैं वो लिखनी पड़ती है, तो उनके 40% मार्क्स होते हैं असाइनमेंट्स के, उसके बाद पेपर्स होते हैं, और वो ओपन के किसी जिस बंदे ने ओपन से की हुई ना उससे ज़रा पूछ लेना कि किस तरह के पेपर होते हैं और किस तरह की मार्किंग होती है। असाइनमेंट्स का तो आपको पता है जो हाल चल रहा है, कौन लिखता है कोई किस तरह का। तो कहने का मकसद यह है कि ये आपको डिग्री मिल जाती है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 से 2 साल आपके खा जाती है। तो क्या है, मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है, आप क्योंकि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद कहीं प्राइवेट पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं या एमफिल की तरफ जाते हैं, तो इस तरह हो सकता है कि मेरा मशवरा यही है कि आप ओपन से कर लें। बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ करा रही हैं और एनुअल सिस्टम में भी है, बाज़ कॉलेजेस ऐसे हैं आपसे फीस ड्यूज ले लेते हैं, हाजिरियाँ लगती रहती हैं, आपको जाकर सिर्फ पेपर्स देने होते हैं, लेकिन उसका मसला क्या है, उसमें मसला यह है कि उसमें आपकी फर्स्ट डिवीज़न नहीं बन पाते बिल्कुल भी,
मुश्किल है वहाँ उन यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फ़र्स्ट डिवीजन बनना। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने बीएड करनी है तो ओपन से कर लें। अगर आपने अभी बीएस फोर ईयर में एडमिशन लेना है या मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर को प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बीएड की डिग्री बगैर कोई एक्स्ट्रा टाइम जाए किए मिल जाती है। तो वहाँ से कर लें, टाइम की बचत करनी होती है तो टाइम की शॉर्टेज आजकल हर कोई जल्दी में है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप एजुकेशन से अगर आपको कहीं नज़दीक पड़ती है आप तो वो बेस्ट है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो बारह मुझसे दूसरा पूछा जाता है वो ये कि क्या एक ही टाइम में दो डिग्रियां कर सकते हैं? तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप मास्टर के दो डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक आप अगर रेगुलर कर रहे हैं तो दूसरी वीकेंड पे होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए। तो अगर आप कर लेते हैं तो क्या कहीं आपको मसला तो नहीं होगा? मसला मेरे भाई नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एमए उर्दू और एमए इंग्लिश आपने एक साथ की हुई है तो आप जिस वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं अगर वो इंग्लिश की है तो सिर्फ इंग्लिश की डिग्री जमा कराएं, अगर वो उर्दू की दिया है तो आप सिर्फ उर्दू की डिग्री ही जमा कराएं। तो दो डिग्रीज आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पहले तो ये बहुत होता था लेकिन आजकल थोड़ी सी सख्ती है, ये इसको किसी हद तक गैर कानूनी भी है, क्योंकि आजकल तो वो एनओसी मांग रहे होते हैं कि अगर आपने मतलब कि ये बैचलर किया हुआ है ना, तो आप जहाँ से आप बैचलर कर चुके हैं वहाँ की आपने एनओसी जमा करानी होती है जहाँ पर आप मास्टर्स करना चाह रहे होते हैं। तो खैर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर चल भी जाता है, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी आपको बेहतर पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। मसला ये होता है कि आप दो डिग्रीज को पैरेलल ले के कैसे चल सकते हैं? अगर दोनों के पेपर उधर से भी पेपर आ जाए, यहाँ से आप वीकेंड पे मस्त कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं या जहाँ से रेगुलर, दोनों के अगर एक साथ पेपर आ जाएँ तो आप क्या करेंगे? आपके दो साल वैसे ही ज़ाय हो जाएंगे। एक अगर आप उधर अटेंड करते हैं तो इधर मिस हो जाएंगे उधर, और तैयारी भी आपसे नहीं हो पाएगी, ग्रेड्स भी कम आएंगे। तो इसलिए अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप कर लें, अगर नहीं है तो ना करें। हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीएड के लिए मास्टर रिक्वायरमेंट है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, चाहे वो बीएस हो या एमए एमएससी हो, आप कर सकते हैं। बीएड की भी आगे चल के बहुत सी कैटेगरीज हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जिनकी मास्टर आर्ट्स में है तो वो बीएड आर्ट्स को सेकेंडरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ये वाले सेलेक्ट करें, और जिनकी साइंस है वो अपनी साइंस वाली बीएड ही करें, साइंस के सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें। बाकी आपके पास चॉइस होती है, ओपन के अंदर कोई इतना मसला नहीं होता। आपके इर्द गिर्द भी बहुत से लोगों ने ओपन से बीएड एडमिशन कर रखी हो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने बीएड करनी है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। जैसे ही आपके हाथ डिग्री आती है बीएससी या मास्टर की, तो उसी टाइम ही बगैर कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट के आप बीएड में एडमिशन भेज दें। तो दोस्तों, ये कुछ आपके सवाल थे, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गए होंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ऐसा करते हैं वीडियोज़ देख के चले जाते हैं तो मेरे भाई आपको वीडियोस नई आने वाली वीडियोस नहीं मिल पाती, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करें, साथ में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी मेरी वो आपके पास फौरन ही पहुँच जाएगी, तो आप देख सकेंगे और मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और ये मालूम बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें सदका जारी समझकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करें। शाहीन परेशानी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।